नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, उनका स्टडी रूम कैसा है जिसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा और अपने बच्चों की स्टडी पोजिशन देखिएगा कि बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनको ना तो अच्छे नंबर मिलते हैं और ना ही उनकी स्टडी अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको इस विषय के बारे में बताना चाहूँगा। आप इमेज देखकर समझ तो गए होंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आज मैं जो विषय लेकर आ रहा हूँ वो है स्टडी टेबल। सबसे पहले तो ये मान लीजिए, ये एक आपका रूम है, इसमें यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका बच्चा यदि नॉर्थ की दीवार के साथ यहाँ पर बैठ के पढ़ता है, यहाँ बच्चा बैठता है, यहाँ पर बच्चे की स्टडी टेबल है, तो ऐसे में इस बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं होती? क्योंकि जब बच्चा बैठकर पढ़ता है तो उसके ठीक सामने दीवार का प्रेशर बनता है, क्योंकि जब नज़दीक दीवार आ जाती है और बच्चा जब वर्क करता है, स्टडी करता है, तो उसकी स्टडी अच्छी नहीं होती। ऐसे ही बच्चा साउथ की दीवार के साथ बैठता है और साउथ की ओर फेस करके पढ़ता है, तो ऐसे बच्चे भी जल्दी से कामयाब नहीं होते, उनकी स्टडी अच्छी नहीं होती। और जो बच्चा वेस्ट की दीवार के साथ बैठता है और उसका फेस वेस्ट की ओर होता है, तो उस बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं होती। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो उसको आउटपुट मिलनी चाहिए वो आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे ईस्ट की दीवार के साथ बैठते हैं, ईस्ट की ओर फेस करके बैठते हैं, उन बच्चों की भी स्टडी अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे के नज़दीक दीवार आ जाती है, जो दीवार का प्रेशर है वो सारा बच्चे के माइंड के ऊपर आता है, जिससे कि बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं होती। हमेशा बच्चों की स्टडी अच्छी करने के लिए आपको पीठ पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए और सामने आपकी अपनी टेबल आनी चाहिए। जैसे ऑफिस के अंदर ऑनर बैठता है, पीठ पीछे सॉलिड वॉल होती है, सामने टेबल होती है और उसके सामने विजिटर आते हैं, ऐसे ही आप अपनी सीटिंग करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि जो बच्चा इस तरीके से बैठ के पढ़ता है उसकी स्टडी हमेशा ही अच्छी होती है। किन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं होती? फेसिंग तो ऐसे हो जाती है, पीठ पीछे खिड़की बनी हुई है या दरवाज़ा है, ऐसे ही जब अपनी चेयर पर बैठते हैं उसके राइट हैंड पे कोई खिड़की या दरवाज़ा आ जाता है या लेफ्ट हैंड पे कोई खिड़की या दरवाज़ा आ जाता है, तो भी उस बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें, पीठ पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड पे भी सॉलिड वॉल होनी चाहिए और राइट हैंड पे भी सॉलिड वॉल होनी चाहिए, यानी कि तीनों तरफ से बच्चा सॉलिड मजबूत वॉल के साथ बैठे और सामने नॉर्थ वॉल पर, ईस्ट वॉल पर खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। जब रूम में बैठे तो रूम का जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, टेबल के ऊपर किताबें फैली हुई नहीं होनी चाहिए, रूम के अंदर रोशनी भरपूर होनी चाहिए। इसी के साथ जब बच्चा कई घंटे बैठ के पढ़ता है, उसने अपनी प्लानिंग की है कि मैंने 3-4-5 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो हमेशा ही कपड़े सॉफ्ट पहनने चाहिए, लूज़ पहनने चाहिए, टाइट कपड़े पहन के कभी भी स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़ों में बैठ के जब बच्चा पढ़ता है तो शरीर में कुछ देर बाद अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, वो कभी लेफ्ट की ओर घूमता है, कभी राइट की ओर घूमता है, जो कम्फर्ट बच्चे को मिलना चाहिए वो कम्फर्ट नहीं मिलता। तो इसलिए जो बातें मैंने आज आपको बताई है बच्चों की स्टडी के लिए, किन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं होती, जो बच्चे इस प्रकार से बैठते हैं।
इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा। जिस बच्चे का रूम साउथ ईस्ट जोन में अग्नि कोण में होता है और वो बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ता है तो उसकी स्टडी भी अच्छी नहीं होती, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो हमेशा ही ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करता है। क्यों पसंद करता? वो ये चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही सब पता है, और वो अपने परिवार के हर मेंबर के ऊपर अपनी बात थोपने की कोशिश करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अग्नि कोण में बैठता है वो गुस्सेल स्वभाव का हो जाता है, इसलिए अग्निकोण में कभी भी स्टडी रूम नहीं बनाना चाहिए और ना ही बेडरूम बनाना चाहिए। अग्निकोण में आपकी किचन आनी चाहिए, अगर वहाँ किचन नहीं आती तो आप वहाँ पर गेस्ट रूम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी बच्चों का रूम नहीं बनाना चाहिए। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपने बच्चों की स्टडी सही कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे एक छोटा बच्चा भी आराम से पढ़ सकता है और समझ सकता है। हमारी इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिससे आप पढ़कर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुस्तक सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर, प्लान भेजकर, लेआउट भेजकर ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।